that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna... इस वाले एपिसोड का नाम है No Warrior Is Here। और हाँ, एक दो दिन में शायद मेरी ऑडियो क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। मैं अपनी क्वालिटी बढ़ाने की सोच रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं इस वाले एपिसोड की। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक करके। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जो गोकू है वो मिलकर आता है सेल से और आकर बताता है कि वो अभी बिल्कुल तुरंत अगर उससे लड़ेगा तो वो इसलिए हार जाएगा क्योंकि फिलहाल सेल बहुत ज़्यादा ताकतवर है और गोकू के जितना ताकतवर नहीं है। जो अपना पिकोलो है वो उसे हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में जाने के लिए बोलता है, लेकिन गोकू से मना कर देता है कि गोहान ओवर में उसे हरा सकते हैं और वो बाहर रहकर ही हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन जो वेजिटा है उसमें जाने के लिए उतावला हो रहा होता है और जो गोकू है वो कहता है कि मैं और गोहान अभी काफ़ी ठीक ठाक है और अब मैं चाहता हूँ कि हम बाहर ही ट्रेनिंग करें। और जो वेजिटा है वो कहता है अच्छा, तो तुम इसका मतलब तुमने हार मान ली है ट्रेनिंग से। जो गोकू है वो कहता है कि अगर तुम अपने शरीर को दुख देने को ट्रेनिंग कहते हो तो मैं इसे ट्रेनिंग नहीं कहता। जो वेजिटा है वो कहता है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेते कैकारोट। जो गोकू है वो कहता है कि हाँ मैं हार नहीं मान सकता। जो वेजिटा है वो कहता है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। जो गोकू है वो कहता है हाँ फिलहाल मैं तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ। जो वेजिटा है उसे ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है हे गोहान चलो अब हम जा रहे हैं घर और हाँ हमें जाने से पहले किसी से मिलना भी है किसी को हम हाई बोल कर चलेंगे। तभी जो गोकू है वो नीचे जाता है उड़ता हुआ और जाकर कोरिन के पास खड़ा हो जाता है और कहता है हाय कोरिन कैसे हो। जो याजुरो भी है वो कहता है कि हे अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा सेल से लड़ने में तो तुम गलत सोच रहे हो। और अब तुम कहोगे कि मैं यहाँ सिर्फ हाई बोलने आया था, मैं तुम्हारी चाल सारी समझता हूँ, मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं लड़ने वाला। जो कोरिन है वो कहता है हे गोकू तुम बताओ कैसे हो। जो गोकू है वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ कोरिन, पर मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि सेल कितना ज़्यादा ताकतवर है और मैं सेल के मुकाबले कहाँ पर हूँ। जो कोरिन है वो कहता है कि हाँ मैं बता सकता हूँ, पर मैंने अभी उसकी पूरी शक्ति नहीं देखी, पर जितनी देखी है मैं बता सकता हूँ। तो वो कहता है कि लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसा जवाब दूँ कि तुम्हें बुरा लगे तो क्या तुम संतुष्ट हो। वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं कोरिन, आप बस सच बोलना। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कामी प्लेस का। जो टीएन है वो कहता है कि तुमने देखा जो गोकू और गोहान है वो सुपर सैनिक बने हुए थे और वो कितने आम लग रहे थे, कितने नॉर्मल लग रहे थे। जो पिकोलो होता है वो कहता है कि हाँ उन्होंने शायद सुपर सैनिक की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है। तो जो ट्रंक से वो कहता है इसका मतलब वो जब लड़ाई करेंगे वो और ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। तो वेजिटा उसे बताता है अरे तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं पता वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, वो अपनी स्टेमिना बचा रहे हैं और वो उसका इस्तेमाल अगले लेवल पर जाने के लिए कर सकते हैं, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो। तो जो ट्रंक से वो सोचने लगता है क्या इसका मतलब मैंने अपनी सारी ताकत अपने आप को ताकतवर बनाने में लगा दी थी, अगर मैं चाहता तो मैं अगले लेवल पर जा सकता था, अरे नहीं मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ। और वो मन ही मन में ये सोच रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जो गोकू वो कहता है कि मैं अपनी थोड़ी शक्ति दिखाता हूँ छोटी सी झलक, क्या तुम बता सकते हो कि मैं कहाँ हूँ सेल के मुकाबले। और गोकू अपना पावर लेवल बढ़ाता है और चारों तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से हवा चलने लगती है और बहुत ही ज़्यादा तेज एनर्जी निकलने लगती है गोकू के पास। और ये महसूस कर लेता है पिकोलो और कहता है कि ये खतरनाक पावर है, ये तो गोकू की है। मतलब जो कोरिन है वो कहते हैं बस करो गोकू, क्या तुम अब इस पिलर को तोड़ कर ही मानोगे। जो गोकू है वो कहता है माफ़ करना मैंने कुछ ज़्यादा ही जोर लगा दिया और ये मेरी आधी ताकत थी। जो कोरिन होता है वो कहता है कि तुम मेरे हिसाब से अभी भी सेल तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। जो गोकू है वो कहता है मुझे भी ऐसा ही लगा था कि सेल मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। और वो पूरा खुश हो रहा होता है गोकू, और गोकू कहता है हाँ चलो कोई बात नहीं कोरिन, मैं ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वैसे भी मुझे लगा ही था कि कोरिन तुम यही कहोगे, क्योंकि जो सेल है वो वाकई में ताकतवर लग रहा था और बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा था मुझे। जो कोरिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्या गोकू को पता है कि वो उससे कमज़ोर है और वो फिर भी उससे लड़ने के लिए तैयार है, इसका मतलब तुम कुछ छुपा रहे हो गोकू। गोकू कहता है हाँ ये बात तो है। और फिर जो गोकू है वो वहाँ से उसे लेकर क्रिलिन को, अरे कहना क्या चाहते हो तो मतलब कि गोहान को वहाँ से लेकर चला जाता है और कहता है कि चलो गोहान अब हम तुम्हारी मोम के पास चलते हैं। फिर वो कामी हाउस पर आते हैं और मास्टर रोशी उन्हें देखकर कहता है हे गोकू क्या तुम ही हो ये, और गोहान तुम कितने ज़्यादा बदल गए हो। और फिर जो यामचा होता है वो कहता है अब तुम सेल की चुटकियों में हरा सकते हो ना। जो गोकू है वो कहता है नहीं वो मुझे हरा देगा, वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, और हंसने लगता है। यामचा कहता है तुम मजाक के मूड में, तुम मजाक कर रहे हो ना। जो गोकू है वो कहता है कि हे मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, जो सेल है वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। और फिर वो चीचू को आवाज़ में आते हैं और चीची ऊपर से आती है और आकर देखती है हे गोकू मेरा नन्ना गोहान कहाँ है। और गोहान कहता है कि हे मॉम ये मैं हूँ। और वो कहती है क्या तुमने अपने बालों पर डाई करा ली, तुम्हें डाई कराने को किसने कहा, तुम्हारे कोमल काले बाल कितने ज़्यादा सुंदर थे,
तुमने ये क्या कर लिया। जो गोगो है वो उसे बताने की कोशिश करता है कि ये कोई डाई नहीं है, ये सुपर सैयन की फॉर्म है, ये सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुआ है। पर जो चीज़ है वो समझने को राजी नहीं होती और वो रोने लगती है। फिर हमें सेल दिखाया जाता है और वो कहता है कि अब वक्त है थोड़ी सी कसरत करने का, और जो सेल है वो बहुत ही स्पीड से उड़ा हुआ जाता है आसमान की ओर, और वो पृथ्वी के प्लान वेग से बाहर निकल जाता है और वो देखता है कि बहुत सारे पत्थर हवा में उड़ रहे हैं और वो उनसे बचता हुआ जाता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा पत्थर आता हुआ दिखाई देता है और वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे रोकता है सिर्फ एक हाथ से, बहुत ही आसानी से, और उसे हल्की सी पावर से ही तोड़ देता है और बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और वो फेंक देता है पृथ्वी की ओर, और वो पृथ्वी पर आकर गिरते हैं और बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि आसमान से कुछ गिर रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा लग रहा होता है, पर वो बहुत तबाही मचाने वाला भी होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो चीची है वो अपने घर में गोकू और गोहान को ढूंढते हैं, गोकू गोहान तुम दोनों कहाँ हो, और हमें दिखाया जाता है जो अपना गोकू और गोहान है वो तो साइड में पड़े हुए हैं और मछलियाँ पकड़ रहे हैं एक तालाब के किनारे। और जो गोहान है वो कहता है, डैड क्या आपको याद है जब आपने वेजिटा से लड़ाई की थी आपने मुझे क्या कहा था। गोकू कहता है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। फिर वहीं पर ग्रीलिन आ जाता है और कहता है, मेरी याद है, मैं बताता हूँ मैंने क्या कहा था। और हमें फिर पास्ट दिखाया जाता है, क्रिलिन कहता है, हमने बचपन साथ बिताया है गोकू, और मैं चाहता हूँ कि हम बुढ़ापे में भी साथ ही हो। और वो कहता है, ओ डैड मैं भी। तो गोकू ने उसे कहा था, हाँ फिलहाल तो तुम मास्टर रोशी के पास जाओ। और जो प्रेजेंट वाला गोहान है वो कहता है, हाँ डैड बिल्कुल यही कहा था आपके, अब सब याद आ गया। जो गोकू है वो कहता है, हाँ अब मेरे सब कुछ याद आ गया। गोहान है वो कहता है कि मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगती है। गोकू बताता है कि जो हमारा अतीत होता है वो हमें अपने दोस्तों से जोड़े लगता है। फिर जो क्रिलिन है वो कहता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, अगर तुम एक दिन ये ताकतवर होकर मुझे छोड़ दोगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। जो गोकू है वो कहता है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम बचपन से दोस्त थे और इसका ताकत से कोई लेना देना नहीं है। और वो क्रिलिन को एक हाथ मारता है, क्रिलिन पानी में गिर जाता है और क्रिलिन डूबने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। गोकू कहता है, मेरा हाथ पकड़ो क्रिलिन, लेकिन क्रिलिन उसका हाथ पकड़कर गोकू को भी पानी के अंदर गिर देता है और कहता है कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी गोकू, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। गोकू कहता है कि हाँ तुम वाकई में कमाल के एक्टर हो। फिर गोकू और गोहान साइड में पड़ जाते हैं। जो क्रिलिन है वो कहता है कि ये कितने साथ लग रहे हैं, मुझे यकीन है अगर मैं इसे पत्थर मारूँ तो ये दूर से ही समझ जाएंगे कि इनके पास कुछ आ रहा है और ये उसे पकड़ कर तोड़ देंगे और इसके हज़ारों टुकड़े हो जाएंगे। और वो एक छोटा सा पत्थर उठाता है और गोकू के सिर में फेंक के मारता है और वो गोकू के सिर में लगता है और गोकू कहता है, क्रिलिन ये कितना गंदा मजाक था, तुम ऐसे मजाक कब से करने लग गए। जो क्रिलिन है वो कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, गोकू और गोहान खाना खा रहे होते हैं और क्रिलिन कहता है कि अरे मुझे यकीन नहीं होता, अगर ये ऐसी ट्रेनिंग कर आए हैं हाइपरबोलिक डैम चैम्बर से तो हमारा सत्यानाश होने वाला है। क्योंकि जो चीची है वो गोकू गोहान को कहती है कि गोहान जाओ पहले अपना होमवर्क करो, और गोहान अपना होमवर्क करने चला जाता है। और जो सेल है वो इंतज़ार कर रहा है, 9 दिन का अब बाकी 9 दिन बचे हैं, देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा। ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए